नमस्कार दोस्तों, Xiaomi ने Redmi Note 9 को चुपके से इंडिया में लॉन्च कर दिया। इसकी प्राइस भी जबरदस्त रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Redmi Note 9 को Realme Narzo 10 से, जो कि सेम प्राइस टैग पे आता है। वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा खरीदना है, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डीटेकी। लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह डिजाइन एंड डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। Realme Narzo 10 में आपको 6.5 इंच का एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलेगा, जहां पर स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी HD+ की। यहां पर आपको ड्यू ड्रबनेस देखने को मिल जाएगा, फ्रंट ग्लास डिजाइन के साथ और बैक प्लास्टिक डिजाइन के साथ आपको मिल जाएगा। फ्रंट में आपको कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अब रियर की बात करें तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर मिल जाएगा। उसके साथ आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। अगर हम बात करें Redmi Note 9 की, यहाँ पर आपको 6.53 इंच का एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी Full HD Plus की। यहाँ पर आपको पंचोल डिजाइन देखने को मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक ग्लास डिजाइन के साथ विद गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी यहां पर दिया गया है। रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप रेक्टेंगुलर डिजाइन के साथ मिल जाएगा। उसके साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर रियर में भी दिया गया है। ओवरऑल डिजाइन एंड डिस्प्ले की बात करें तो Redmi Note 9 पे आपको ग्लास बेड डिजाइन के साथ मिलता है, बट इन द अदर Realme Narzo 10 में आपको प्लास्टिक बेड डिजाइन के साथ मिलता है। एंड डिस्प्ले आपको Redmi Note 9 पे Full HD Plus का रेजोल्यूशन मिलता है, बट Realme Narzo 10 में आपको HD Plus रेजोल्यूशन मिल जाता है। सो यहाँ पर नो डाउट Redmi Note 9 डिजाइन एंड डिस्प्ले में विनर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। Realme Narzo 10 में आपको MediaTek का Helio G80 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो भी 12 नैनोमीटर FinFET प्रोसेस पे बना हुआ एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिसमें आपको दो हाई परफॉर्मेंस कोर मिलता है, Cortex A75 की CPU जिसको क्लॉक किया गया 2.0 GHz पे। उसके साथ GPU मिल जाता है माली G52 MC2 GPU, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 950 MHz। इसका अंतुतु स्कोर लगभग 2,01,000 के आसपास आ जाता है। बट Redmi Note 9 पे आपको MediaTek का Helio G85 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर FinFET प्रोसेस पे बना हुआ एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिसमें दो आपको हाई परफॉर्मेंस कोर मिल जाता है, Cortex A75 की CPU जिसको क्लॉक किया गया 2.0 GHz पे। इसके साथ GPU मिल जाता है माली G52 MC2 GPU, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1000 MHz। इसका अंतुतु स्कोर लगभग 2,09,000 के आसपास आ जाता है। अगर हम बात करें दोनों प्रोसेसर की, दोनों प्रोसेसर में कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट Helio G85 पे GPU को थोड़ा ओवरक्लॉक किया गया, मतलब 50 MHz ओवरक्लॉक किया गया। ओवरऑल यहाँ पर परफॉर्मेंस दोनों स्मार्टफोन पे लगभग एक जैसे मिलेगी। अब कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन पर रियर में आपको एक जैसा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको Realme Narzo 10 में 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेल्फी के लिए मिल जाता है, बट Redmi Note 9 पे आपको 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेल्फी के लिए मिल जाता है। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन पर कैमरा एक जैसे मिल जाएगा, बट यहाँ पर एक चीज काम करेगा, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन। जिसका ज़्यादा बढ़िया होगा वहाँ पर अच्छी अच्छी फोटो आप ले सकते हो। पर्सनली मुझे Xiaomi का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे Xiaomi के कैमरा देखे हैं, वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो आ जाता है, मतलब नेचुरल फोटोग्राफी आ जाता है। बट Realme में आपको ओवर एक्सपोज फोटो देखने को मिल जाता है। आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर यह सब डिपेंड करता है, आपको कौन सा फोटो अच्छा लगता है। अब रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन पे आपको LPDDR4X का रैम एंड eMMC 5.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट Realme Narzo 10 में आपको एक रैम वेरिएंट, एक स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि 4GB एंड 128GB। बट Realme Note 9 पे आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 4GB 64GB, 4GB 128GB एंड 6GB 128GB। अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। Realme Narzo 10 में आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाता है, उसके साथ आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, बट Redmi Note 9 पे आपको 5020mAh का बैटरी मिलता है, उसके साथ आपको 22.5W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोनों स्मार्टफोन पे आपको Android 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट Realme Narzo 10 में आपको Realme UI कस्टमाइज देखने को मिल जाता है, बट Redmi Note 9 पे आपको MIUI 11 कस्टमाइज देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का आपको फिंगरप्रिंट सेंसर रियर में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। Realme Narzo 10 का 4GB 128GB का वेरिएंट आपको मिल जाता है 11,999 पे, बट Realme Note 9 पे आपको 4GB 64GB का वेरिएंट मिलता है 11,999 पे। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है सेम प्राइस टैग, मतलब 11,999 पे।
लास्ट में मुद्दे की बात, किसको खरीदे, रियलमी नार्जो 10 को खरीदे या रेडमी नोट 9 को खरीदे। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, आप रेडमी नोट 9 को खरीदो, क्योंकि रेडमी नोट 9 पे आपको फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले मिल जाता है, ग्लास बेल डिजाइन मिल जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा अपग्रेड प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर नो डाउट आप रेडमी नोट 9 के साथ आप जा सकते हो। आप रियलमी नार्जो 10 के साथ जाने का कुछ फायदा नहीं। मुझे तो पहले से रियलमी नार्जो 10 से एक शिकायत थी कि यहाँ पर आपको एचडी प्लस का डिस्प्ले दे रहा है। मतलब आप 12,000 का एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हो बट आप एचडी प्लस का डिस्प्ले दे रहे हो, इसलिए आप रियलमी नार्जो 10 को आराम से स्किप कर सकते हो। ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, और आप कौन सा स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो आप कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और हाँ कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। ओके चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।